हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा एचटीएमएल से रिलेटेड 25 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग एक फेसबुक का टेम्पलेट बनाने वाले हैं। तो अभी तक मैंने एचटीएमएल का फुल ट्यूटोरियल्स पढ़ा दिया, ये मेरा लास्ट ही ट्यूटोरियल्स होगा, और सीएसएस भी मैंने बता दिया। तो ये दोनों यूज करके हम लोग आज फेसबुक बनाने वाले, जो आपका रियल में फेसबुक चलाते हो वही फेसबुक का टेम्पलेट हम लोग बनाने वाले हैं। तो अगर जिन्होंने मेरा एचटीएमएल का फुल ट्यूटोरियल्स नहीं देखा है वो आप देख लेना। ये मेरा एचटीएमएल का जो फॉर्म टैग से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल था है, ठीक है। और मैंने एचटीएमएल का तकरीबन 25 ट्यूटोरियल्स मतलब लेक्चर लिए हैं, उसमें मैंने फुल डीप्स में बता दिया है एचटीएमएल का यूज़ क्या है। अगर आपने ये ट्यूटोरियल्स देख लिए तो फ्यूचर में आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं एचटीएमएल का यूज़ करके। तो मैं पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग बनाने वाले क्या हैं। देखो, ये आपका रियल में जो फेसबुक है वो है आपका, ठीक है, जो आप अकाउंट क्रिएट करते हो वो साइन अप का फॉर्म है। सेम हमें यही चीज बनानी है, तो हम लोग भी सेम यही बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ। देखो, ये यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है ये आपका ड्यू के अंदर में है, ठीक है। ये एक डिविजन लिया है, ड्यू लिया है। इस पार्ट को आप टेबल के थ्रू भी बना सकते हो, जो कि मैंने एक छोटा सा वेबसाइट बनाकर दिखाया था आपको एचटीएमएल में। और यहाँ पर सीएसएस का दो सिलेक्टर है, आईडी, और दो हम सिलेक्टर यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे आईडी और क्लास। तो वहां पर हम ड्यू यूज करेंगे। तो ये आपका ड्यू है। इस ड्यू के अंदर में ये जो लिखा हुआ ये आपका H1 के अंदर में, मतलब हेडर फाइल के अंदर में है, हेडिंग के अंदर में ये है। और इसी ड्यू के अंदर में मैंने दो ये टेक्स्ट लिया है और एक पासवर्ड लिया, एक लॉगिन का सबमिट बटन लिया, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला दिख रही है आपका सेकेंड ड्यू है। इस ड्यू के अंदर में सिंपल से प्रिंट किया गया है H3 के अंदर में, ये इमेज ले लिया है और ये यहाँ पर H1 को लिखा। और ये सब मैंने कैसे यूज करनी बता दिया आपको वन बाय वन। तो मैंने ये जस्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में ही बताया था कि ये हम फॉर्म कैसे यूज करते हैं, फॉर्म कैसे बनाती है। सिंपल सा ये आपका फॉर्म है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये हम बनाते कैसे। तो चलो हम लोग वीडियो ये मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि जो पहला वाला पार्ट है ये पार्ट आपका ड्यू है। तो पहले ड्यू हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक ड्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस ड्यू को क्लोज कर दो। अब इसके अंदर में पहला आपका क्या है, एक H1 के अंदर में वो टैग्स लिखा है फेसबुक का वो है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेसबुक, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही है, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, ये लेफ्ट में है। अब देखो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने यहाँ पे इसको रन करता हूँ, रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रन किया, सिंपल सा भी फेसबुक आ चुका, ठीक है। अब मेरा कलर नहीं आ रहा है तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। इसको बैकग्राउंड ये मैं URL मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा। मैं ब्राउजर पे इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मेरा URL ये ओपन नहीं हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अच्छे से और इसको ब्राउजर पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो मेरा फेसबुक आ चुका है। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने जा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोड में आ जाओ और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं कि ये मैं ना यहाँ पर टाइटल में फेसबुक लिख दो, आपको अच्छा दिखेगा फेसबुक। अब देखो यहाँ पर मैं टाइटल मतलब स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक दो पार्ट में CSS का यूज करने जा रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप CSS यूज करते हो तो CSS का जो हम कोडिंग करते हैं वो स्टाइल के अंदर में करते हैं। तो आपका स्टाइल टैग होता है, इसी स्टाइल टैग के अंदर में हमें कोडिंग करना होता है CSS का। इस स्टाइल टैग को आप क्लोज कर दो। आपने इसको स्टाइल को ओपन किया, इसको क्लोज कर दो। अब इसके अंदर में हम लोग कोडिंग लिखेंगे। तो ये मैं एक आईडी ले रहा हूँ। आईडी के थ्रू मैं आईडी जब हम लोग लेते हैं तो हैश लिखते हैं, हैश और आईडी का नेम। मान लो यहाँ पर आईडी का नेम मैंने फेसबुक लिया। अब इसको ओपन किया, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर ये आपका नेवी कलर है, ठीक है, नेवी कलर मैंने दे दिया। अब इसका पैडिंग दे देता हूँ मैं।
पैडिंग ये सब क्या होता है, पैडिंग मार्जिंग ये मैंने ट्यूटोरियल्स में बता दिए, सीएसएस के लेक्चर में मैंने ये सब बता दिया है। जिनको नहीं आता आप मेरा सीएसएस का लेक्चर देख लेना। यहाँ पर मैं पैडिंग इसको सब 50 पिक्सल दे देता हूँ, मार्जिन भी मैं ले लेता हूँ, मार्जिन भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो कलर है सिंपल सा कलर, एक कलर में व्हाइट कर देता हूँ। ये कलर व्हाइट का मतलब क्या हुआ कि आप इसके अंदर में जो टेक्स्ट लिखोगे ये आपका व्हाइट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फेसबुक लिखा, ये टेक्स्ट व्हाइट रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरा सॉरी अभी कलर नहीं आएगा क्योंकि मैंने इस आईडी को यूज नहीं किया। ये जो मेरा फेसबुक आईडी है ये सेम आईडी आप कॉपी कर लो, और इस आईडी को कहाँ पर यूज करनी है, ड्यू के अंदर में, ड्यू में लिखोगे आईडी, और यहाँ पर ये जो फेसबुक सेम आईडी होनी चाहिए, आपका हैश आपका आईडी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से फेसबुक आईडी करने में यही फेसबुक आपका यहाँ होना चाहिए आईडी में। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। देखो ये इतना बड़ा ड्यू आ चुका है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ मार्जिन, और इसको पैडिंग को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल 10 रखता हूँ, देखते हैं 10 में कैसा आता है मार्जिन ये सब। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा फेसबुक ये तो आ गया। जैसे आपका ये जो डिव था, ये जो आपका ओरिजिनल वाला जो डिव था ये तो आ गया। अगर इसको आप छोटा आउट करना चाहे तो आप कर देना। अब इसके अंदर में ये जो है ईमेल और फोन और पासवर्ड और लॉगिन, ये हम लोग बनाते हैं अभी। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं। अभी आपका ये है, इसको थोड़ा छोटा करना कर दो। यहाँ पर मान लो कि मैं इसको 5 ले लेता हूँ, 5 ले लो, और दोनों 5 ही ले लो, देखते हैं 5 में क्या आता है, 5 पिक्सल में। इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब थोड़ा ठीक है। अब आपको भी छोटा करनी है और छोटा कर सकते हो। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो ड्यू है इसके अंदर में मैं इनपुट टाइप लूंगा। इनपुट टाइप मैंने लिया, टेक्स्ट ले लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम में मैंने ले लिया, नेम में मैं नेम ही लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ऊपर दिखा था, ऊपर क्या दिख रहा था, मेरा नेम और फोन ऐसा कुछ तो दिख रहा था। देखो ये ईमेल और फोन, तो ईमेल और फोन के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट मतलब यहाँ पर ईमेल ही ले लो। ठीक है, क्योंकि ईमेल वहां पूछ रहा था तो इसलिए यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ। ईमेल जब आप यहाँ पर लिखोगे तो वैलिडेशन प्रोवाइड होता है, ऑटोमेटिक वैलिडेशन, जो एचटीएमएल का जो इनबिल्ट वैलिडेशन होता है वो हम यूज कर सकते हैं ईमेल लिखने से। आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ ईमेल और फोन था आपका, फोन लिख दिया। इसको अपना ब्रेक लगा दो, br लगा दो, ताकि आपको ऊपर दिखेगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा ये। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐसा यहाँ दिख रहा है। इसको मैं ना राइट में करना चाहता हूँ, तो आपको मैंने ये सब बता दिया था। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि एक H3 या H2 के अंदर में ले लो, ये जो आपका है ना ये सबको मैं H2 के अंदर में ले लेता हूँ। ठीक है, H2 के अंदर में ले लिया, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था अलाइन लिख दो। अलाइन क्या लिखोगे, राइट। ठीक है, राइट, क्योंकि राइट के अंदर में इसको मैं भेज रहा हूँ। अब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, देखो मेरा राइट के अंदर में आ गया। अब इसको और छोटा करनी है, आप छोटा कर दो साइज का। यहाँ पर आपने H2 लिया तो यहाँ पर H4 ले लो, देखते हैं H4 में क्या आता है। और इसका आप ना मार्जिन 2 ही रखने दो, 2 पिक्सल ही कर दो, 2 कर दो। अब इसको सेव करके चेक कर लेते हैं हम लोग। अब ठीक है, और करनी है और कर दो, इसका मार्जिन 1 पिक्सल ही रहने दो, दोनों का 1 पिक्सल रहने दो। अब चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है आप छोटा कर लेना। अब ये देखो मेरा इस तरफ आ गया है, इसको और मैं छोटा करना चाहता हूँ तो आप छोटा कर सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे, ये जो आपका F6 में कर दो, आपका थोड़ा छोटा और दिखेगा। F6 में कर दिया, अब ये छोटा दिखेगा आपको। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका पासवर्ड भी था तो इसके नीचे में एक और मैं पासवर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट
टाइप यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर नेम में मैं पास लिख देता हूँ, आपको जो लिखना लिख सकते हो। और यहाँ भी मैं क्या करता हूँ कि पासवर्ड ऐसा लिखता हूँ, इसको अब ब्रेक लगा दो ताकि आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया मैंने, ये नीचे आ रहा है, ये ब्रेक लगाया इसलिए, तो मैं इसको ब्रेक यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं ब्रेक हटा दूंगा, ठीक है। अभी ऊपर ही दोनों दिखेगा सेम लाइन में, ठीक है। अब मैं लॉगिन का यहाँ पर एक ले लेता हूँ, इसके नीचे ही जस्ट मैं एक लॉगिन लेता हूँ, इनपुट टाइप लिया और टाइप में मैं सबमिट कर देता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू में मैं लॉगिन ले लेता हूँ, लॉग इन, ठीक है। अब इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ आपको, इसको ये हटा दो, आपको हटानी है तो देखो मेरा आ गया ईमेल पासवर्ड और लॉगिन का आ चुका है, ठीक है। अब मेरा नीचे एक और डिव लेनी है, या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो डिव से बाहर। और मेरा क्या था यहाँ पर, देखो ये तो आपका यहाँ तक पार्ट आ चुका है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब नीचे का ये सब, ये इसको टेक्स्ट है, ये आपका टेक्स्ट है, यही सेम टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लो, और ये हम एस टू के अंदर में रख देते हैं, ठीक है। कोड में जाओ और एस टू के अंदर में रख देते हैं। अब देखना ये मेरा डिव के बाहर है, ये मेरा ड्यू के बाहर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये जो H2 या H3 होगा शायद, वो H3 के अंदर में मैं इसी चीज को कॉपी किया। अब देखो ये ब्रेक कहाँ से, देखो विद द से ब्रेक है, तो विद द से आप ब्रेक लगा दो, विद द यहाँ पर आपका BR है, तो यहाँ पर आप BR लगा दो। अब इसको ये तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही होता है ये। इसको मैं रिफ्रेश कर दे, तो जो अपना हम लोग जो बना रहे इसको देखो, ये मेरा आ चुका है ऐसा, ठीक है। अगर आप इसको टेक्स्ट छोटा करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब नीचे मेरा इमेज है, सिंपल, कौन सा इमेज है, ये वाला सिंपल इमेज है, तो इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लो, एक कॉपी इमेज, और इस कोड में डाल दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से धीरे से बाहर आ जाओ, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो इसका ये, या तो आपको मैंने बता दिया था कि इमेज के लिए क्या लिखना पड़ता है, img और src इक्वल टू यहाँ पर पाथ देना होता है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हो और उसको आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल इमेज को मैं रहने देता हूँ, अभी आगे का पार्ट देख लेते, इधर का पार्ट देख लेते। ये आपका टेक्स्ट H1 में है, इसको कॉपी कर लो, और हमें इसको राइट में करनी है, तो चलो हम राइट में कर लेते हैं, इसको हम लोग राइट में कर लेते हैं। एक और मैं H1 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं इसी के अंदर में डाल देता हूँ, अब ये मेरा राइट में, तो यहाँ पर अलाइन लिखना है राइट, क्लियर है, राइट लिख दिया। अब देखो ये मेरा राइट में चला जाएगा, इसको मैं अभी, और ये छोटा एक है, इसके जस्ट नीचे एक छोटा है, ये छोटा वाला जो पार्ट है छोटा, ये आपका H3 H4 में होगा, तो H4 एक और ले लो। यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, H4 ले लो, शायद वो H4 के अंदर में है। अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और ये भी आपका अलाइन राइट में कर दो, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, देख लेते इसका आउटपुट चेक करके, दो टेक्स्ट आया कि नहीं, देखो ये मेरा राइट में आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे मेरा बटन था, तो पहला बटन क्या था, ये मतलब टेक्स्ट फील्ड था, जो बॉक्स है आपका वो बॉक्स है। तो मेरा फर्स्ट नेम सर नेम, तो पहले ये दोनों हम बना लेते हैं, फर्स्ट नेम और सर नेम, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लगाना है, तो चलो बनाते हैं, बाहर आ जाओ इसके H1 से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, एक और मैं ना इसको इसके अंदर में ले लेता हूँ, H2 के अंदर में, H3 के अंदर में ये सब मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब H3 के अंदर इसको मैं अलाइन राइट कर दिया। अब इसके अंदर में ये जो मैं लेने वाला हूँ ये सब लूंगा, तो पहला है मेरा इनपुट, इनपुट टाइप मेरा टेक्स्ट ही रहने दो, और यहाँ पर नेम क्या था आपका,
नेम है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर लिख दो। चलो मैं फर्स्ट यहाँ से लिखता हूँ, और यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो, वैल्यू लिखना है तो वैल्यू लिख दो, वैल्यू मैंने फर्स्ट लिया, ये आपका बन जाएगा। यहाँ पर इंटर मारो, एक और बना दो, किसके लिए, सरनेम के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने दो, नेम में हम लोग सरनेम ले लेते हैं। और यहाँ पर प्लेस होल्डर, मैंने ये सब बता दिया था, प्लेस होल्डर का यूज किया है, सरनेम ले लो, प्लेस होल्डर में भी सरनेम, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया मैंने, सरनेम दे दो। अब ये दोनों में चेक कर लेता हूँ, ये दोनों आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर इसको रिप्लेस करता हूँ मैं। अब देखो ये दो मेरा आ चुका है, एक तो ये आपका आ गया, ये और ये आ गया। तो यहाँ से वैल्यू हटा देता हूँ तो आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ से जो वैल्यू है ये मैं हटा देता हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा जाएगा, आपको सीखना है तो पूरा देखना ही पड़ेगा, कोशिश में जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये मेरा रिफ्रेश कर दो, ये दो मेरा आ गया, फर्स्ट नेम और सरनेम। अब मेरा क्या है, अब देखो मेरा एक नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और न्यू पासवर्ड, ये दोनों फटाफट बनाते हैं। यहाँ पर ब्रेक दे दो, क्योंकि ब्रेक है नीचे है, दो बार ब्रेक दे दो, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक इनपुट टैब ले लेता हूँ, मोबाइल के लिए ले लिया, ठीक है, या फिर ईमेल के लिए ले लो, ईमेल के लिए लो। और यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ, ईमेल प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ, क्या था यहाँ पर, प्लेस होल्डर में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सेम लिख दो, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक लगा दो, दो ब्रेक लगाने से आपका अच्छा गैप मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। एक और है आपका पासवर्ड, एक और है पासवर्ड ले लेता हूँ, पासवर्ड ले लेता हूँ, इसका नेम भी आप पास कर दो, नेम होल्डर कर दो, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ठीक है, सेव करके चेक कर लेते हैं। अब नीचे क्या है, एक मेरा बर्थडे है, तो स्पेस देके मैं बर्थडे का ये बना लेता हूँ सिलेक्ट बटन, जो कि मैंने आपको बताया था सिलेक्ट बटन कैसे बनाते हैं। इसको मैं रिफ्रेश किया और देखो मेरा नीचे यहाँ तक आ चुका, देखो फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये आप ईमेल। अगर आपका इसका साइज बड़ा करनी है तो मैंने आपको बता दिया था इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर मैं साइज लिख देता हूँ, यहाँ पर समझो मैंने 30 पिक्सल किया, इसका भी नीचे साइज, इसको पहले चेक कर लेते हैं 30 पिक्सल कितना बड़ा आएगा, ये उसके हिसाब से बढ़ाएंगे। देखो 30 पिक्सल इतना आ रहा है, इसको भी 30 पिक्सल ही कर दो, यहाँ भी साइज 30 पिक्सल कर दो, ठीक है। और ईमेल एड्रेस का भी 30 पिक्सल कर दो, ये क्या 30 पिक्सल, ठीक है। और पासवर्ड का भी कर दो 30 पिक्सल, साइज लिख दो पहले 30 पिक्सल, इसको मैंने सेव किया, इसको चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, देखो मेरा साइज सबका बड़ा हो चुका है। अब नीचे क्या है, मेरा एक बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, पहले स्पेस दे देता हूँ, दो स्पेस दे देता हूँ, उसके लिए BR लिख देता हूँ, एक और मैंने BR यूज किया। अब इसके नीचे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं बर्थडे लिख देता हूँ, बर्थडे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट बटन यूज करना पड़ता है, मैंने आपको बता दिया था। अब इस सिलेक्ट के अंदर में ऑप्शन लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिख दिया, इस ऑप्शन को क्लोज कर दो,
अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर में वैल्यू लिखना पड़ता है, जो कि मैंने सब बता दिया। आप देख लेते हैं, यहाँ पहले स्टार्ट कहाँ से किया इसने, मतलब डे है आपका, मंथ है और ईयर है, ये लिखना है। तो डे लिख देते हैं पहले, डे मंथ ईयर है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। बाय डिफॉल्ट मैं वन से ही ले रहा हूँ, वन, यहाँ भी वन कर दिया। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लो, आपको 30 तक करनी कर देना, मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, ठीक है? आपको 30 तक करनी कर देना। मैंने यहाँ 2 किया 3 किया 4 किया, आप 31 तक कर देना, क्योंकि टोटल डेट 31 तक ही होता है। 3 किया मैंने, 4 किया, ठीक है? अब यहाँ पर सिलेक्ट में मैं क्या लिखूंगा, नेम, नेम में मैंने लिखा डे, ठीक है? अब यही सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि मंथ के लिए यूज होने वाला है मेरा, ठीक है? मैं 4 ही ले रहा हूँ, आप पूरा ले लेना। अब यहाँ पर मंथ के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मंथ, मंथ लिखा। अब मंथ में मैं लिख देता हूँ जनवरी, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, फेब्रुअरी, यहाँ पर लिख दो मार्च, मार्च, अप्रैल, यही सेम चीज यहाँ होनी चाहिए आपका। यहाँ मैंने लिख दिया, इसको भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। ध्यान से देखना, जिसको समझ में नहीं आएगा आप पूछ लेना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर आपको रियल में सीखना है तो टाइम तो चाहिए। अब यहाँ पर एक और मैं इसको एक बटन बना, ये बना लेता हूँ किसके लिए, एयर के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक और इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एयर कर देता हूँ, एयर, एयर में मैं करता हूँ, चलो 2010 से स्टार्ट करता हूँ, या फिर 2016 से स्टार्ट करो, 17, डायरेक्ट 2020 ले रहा हूँ, और यहाँ पर 2021 तो है नहीं, तो यहाँ पर 2019 कर दो, यहाँ पर 2020 कर दो। अब यही चीज यहाँ लिख दो, 2016, 2017, आपको ज्यादा लिखनी है, ठीक है? 2019, मेरे पास टाइम नहीं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ कि मेरा बना कहाँ तक। अब देखो नीचे मैं लेता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, देखो मेरा बर्थडे बन गया, देखो ये डे का, मंथ का और ईयर का, ठीक है? देखो ये ड्रॉप डाउन बन गया, अब 2020 सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो, डेट, ठीक है? यहाँ तक बन गया मेरा। अब क्या बनानी है, मेरा ये जेंडर, मतलब ये क्या, आपको ये आपका रेडियो बटन है, तो रेडियो में बना दो, पहले यहाँ जेंडर लिख दो, आते हैं कोड में। ये सब मैंने आप लोग को डिटेल्स में बता दिया, इसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि HTML के ट्यूटोरियल्स में मैंने फुल डिटेल्स में बताया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्रेक लगा दो, दो ब्रेक लगा दो, अच्छा दिखेगा आपको। यहाँ पर मैंने दो ब्रेक लगा दिया। अब यहाँ पर मैं इनपुट टाइप में लेता हूँ, रेडियो लेता हूँ, ठीक है? ये वो रेडियो बटन है। नेम में मैंने लेता हूँ जेंडर, ले लेता हूँ जेंडर, और मैं यहाँ वैल्यू, अब ऐसे ही मैं 3 ले लेता हूँ, ये तो मेरा मेल के लिए था, वैसे ही फीमेल और अदर्स के लिए कर देता हूँ, ठीक है? एक और कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये मेल, और यहाँ मैं फीमेल, और यहाँ पर अदर, आपको जो लिखना है लिखो। और रेडियो सब रहेगा, जेंडर सब रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पर मैं फीमेल का वैल्यू करता हूँ, यहाँ पर अदर करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ना मैं जेंडर लिख देता हूँ, जेंडर, ताकि आपको अच्छा दिखेगा। अब इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा बन गया, देखो नीचे मेरा ये बन गया, ठीक है? जेंडर में, तो जेंडर को मैं ऊपर ब्रेक लगा देता हूँ, ताकि आपको जेंडर ऊपर थोड़ा दिखेगा। यहाँ पर मैं जेंडर में ब्रेक लगा देता हूँ, BR, ऊपर दिखेगा, ठीक है? अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो थोड़ा जेंडर यहाँ आ गया और नीचे है, तो ये मेल फीमेल ये हो गया। अब मेरा क्या है, अब आपका एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स है, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आप H6 में लिख लेना, ठीक है? मैं डायरेक्ट अभी एक साइन अप का एक बटन लेता हूँ, जो कि आपका सबमिट बटन का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसके बाहर आता हूँ,
और इसको यहाँ पर मैं इनपुट टाइप में एक बटन ले लेता हूँ, सबमिट बटन, इसका वैल्यू दे देता हूँ साइन अप का है, साइन अप, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन अप, ठीक है। इसका आपको कलर देनी है, आप कलर दे सकते हो, इसके अंदर में स्टाइल कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ग्रीन दे दो, ठीक है। इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ आपको, इसका बटन कैसा बनेगा। नीचे आप आ जाओ, देखो यहाँ पर ऐसा बटन बन चुका है। इसको मैं इधर से करता हूँ, तो इसको इधर से करने के लिए मैंने आपको बता दिया, इसको आप किसके अंदर में रख दो, एच वन या एच टू के अंदर में रख दो, में हम अलाइन यूज करेंगे और अलाइन में राइट कर देते हैं, ठीक है। राइट कर दिया, सेव किया। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, बटन साइन अप का। अगर आपको इसको बड़ा करनी है तो आप इसको एच वन में कर दो, आप पे डिपेंड करता है कौन से साइज चाहिए आपको, ठीक है। इसको मैं सेव किया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये मोस्टली मेरा बन चुका है सब। अब देखो ये मेरा मोस्टली सब बन चुका है, देखो ये आपका बन चुका है। इसका साइज छोटा करना कर देना, आप पे डिपेंड करता है, इसका साइज छोटा कर देना। अगर आपको एक अंदर का ग्रेवी टाइप का कलर देनी हो दे देना, लेकिन मेरा मोस्टली आपका सेम उस टाइप का बन चुका है। अगर आपको ये टेक्स्ट चाहिए, इस ये जो छोटा सा टेक्स्ट है, ये वाला, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लो यहाँ तक, और इसको एच सिक्स में लिख दो, क्योंकि ये एच सिक्स में, और ये जो नीचे क्रिएट अ पेज है ना, ये मैं लिंक दे दूंगा, तो ये भी मैंने आपको एचटीएमएल में बता दिया लिंक कैसे देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एच सिक्स के अंदर में लिख देता हूँ, एच सिक्स, क्योंकि सबसे छोटा पेज सिक्स ही होता है। अब इसके अंदर मैं इसको पेस्ट किया। अब ध्यान दो कि ये ना, देखो डेटा पॉलिसी से ब्रेक किया हुआ है और नोटिफिकेशन फॉर्म से ब्रेक किया है। तो यहाँ पर देखो डेटा पॉलिसी में ब्रेक लगा दो, बी आर, और नोटिफिकेशन पे फ्रॉम नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ से नोटिफिकेशन फ्रॉम में यहाँ पर बी आर लगा दो, ब्रेक। अब इसको मैं सेव करता हूँ, आपको वैसा दिखेगा, छोटा टेक्स्ट में वैसा दिखेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखो इसको आप राइट में कर दो, यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो आपने एच सिक्स लिया उसको राइट में कर दो, तो यहाँ पर अलाइन करो और यहाँ पर लिख दो राइट, ठीक है। इसको मैं सेव किया और रिफ्रेश कर दी इसको। तो देखो आपका मोस्टली जो फेसबुक का जो अकाउंट क्रिएट कर दो उसका सब चीज मोस्टली आ चुका है, ठीक है। इसको जब आप छोटा करके देखोगे तो अच्छा दिखेगा, इसको आप छोटा करने, इसका मार्जिन जो भी है ड्यू का आप छोटा कर दो। तो ये आपका सिंपल फेसबुक अकाउंट का था, ठीक है, जीरो कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। ये नीचे आ गया तो इसको ऊपर करनी है, ऊपर आप कर लेना, ये सब मैंने HTML के लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। जिनको HTML में प्रॉब्लम होगा वो मेरा ट्यूटोरियल्स देख लेना। आई होप HTML में प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, मैंने सब बता दिया फुल डिटेल्स में, ठीक है। तो ये था मेरा सिंपल HTML मतलब फेसबुक क्रिएट किया, जो कि आपका रियल वाला फेसबुक था वैसा। और आप बताओगे कि यहाँ पर जो ये थोड़ा सा एक कलर है ना, ये कलर आपका गर्ल्स लोग को ज्यादा पता होता है कौन सा कलर है, ये कलर आपका मे भी जो भी है ये कलर दे सकते हो, तो मैंने बता दिया था कलर कैसे लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका डेवलपर का काम है वो मैंने कर दिया। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा, जिनको ये कोड चाहिए आप यहाँ से लिख सकते हो। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब ये मेरा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट।